वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। सो मेरे पास है ड्यूक 125 न्यू शेप एंड ये वाला जो बाइक है, सो देयर आर टू कलर्स इन दिस बाइक। एक जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, ये सेकंड वीडियो है। दिस इज ब्लैक एंड वाइट। सो आपको बाइक दिखाता हूँ पूरा, इसका प्राइस भी ऑन रोड बताता हूँ, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिए। सो ये है ड्यूक 125 न्यू शेप, न्यू कलर्स, न्यू फीचर्स। सो पहले आप एक बार बाइक को चारों तरफ से देख लीजिए। सो ये जो कलर है, ये है ब्लैक एंड वाइट विथ सम ऑरेंज फिनिश, एंड यहाँ पे एक कलर और है जो आपने पहले मेरे वीडियोस में देख लिया होगा। दिस वन इज वाइट एंड ऑरेंज। सो अगर आप सामने की तरफ आएंगे तो ये वाली जो हेडलाइट है आपको ड्यूक 200 में मिलती है। सो ये हैलोजन है, हालांकि आपको जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो सब LED मिलता है। जो टेल लाइट है वो भी LED मिलती है, बट जो हेडलाइट है इट इज़ हैलोजन। सो इंजन वाइज सेम इंजन है, 124.7 cc का, जिसका पावर है 14.5 bhp एंड इसका जो टॉर्क है वो है 12 Nm का। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे नीचे तो आपको इंजन प्लेट और बेस प्लेट में इसको कह सकता हूँ वो दी गई है। साथ ही साथ ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पार्ट है थोड़ा फुला हुआ है, ये है BS6 इंजन, जिसकी वजह से इसका जो कैटलिक कन्वर्टर है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको एक थोड़ी अलग सी शेप यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की तरफ से आपको मिलता है इंजन गार्ड, और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है USD अपसाइड डाउन फॉक्स 43 mm। ये बाइक आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। सामने का जो डिस्प्ले है उसका साइज है 300 mm। टायर जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं MRF के। सो एलॉय व्हील्स का जो कलर है वो पूरा कंप्लीट ब्लैक आउट कर दिया गया है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट KTM वी ऑलवेज फील लाइक हैविंग ऑरेंज कलर ऑन द व्हील्स। तो टायर साइज है वो है 110x70 17 इंच MRF रेविस टायर। सामने का जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज है 300 mm। सामने का जो फेंडर और मडगार्ड अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा मैट फिनिश दिया है, लेकिन यहाँ पे ग्लॉस फिनिश है। सो जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये डे टाइम रनिंग लाइट DRL ऑन हो जाएगी। जैसे आप बाइक का इंजन स्टार्ट करोगे ये जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी लो बीम में। इंडिकेटर आप देख सकते हैं, इंडिकेटर वही आपको मिलते हैं जो ड्यूक 200, 250 एंड 390 में LEDs मिलते हैं, वो इसमें भी दिए गए हैं। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो इसका जो टेल लाइट है वो LED है, सेम आपको मिलता है 390 में, 250 में एंड ड्यूक 200 में LED इंडिकेटर्स। हियर यू हैव नंबर प्लेट लाइट, यहाँ पे आप नंबर प्लेट फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे आएंगे तो आपको KTM का नाम लिखा हुआ ये पीछे मडगार्ड, जो बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, बट डोंट रिमूव दिस वन, बिकॉज जब आप बारिश वारिश में चलाते हो तो पूरा मड वगैरह है, पानी वगैरह है, पीछे जो राइडर बैठता है पिलियन राइडर उस पर आता है। MRF का टायर दिया गया है पीछे की तरफ। ये है रेडियल टायर, जिसे होता क्या है कि आपको रेनी सीजन में वगैरह में चलाते हो, स्लिपरी जो रोड वगैरह होते हैं उस पर आप चलाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड अगेन MRF का टायर है, जो टायर का साइज़ है वो है 150x60 17 इंच ट्यूबलेस टायर। एलॉय व्हील्स है, ब्लैक आउट दिए गए हैं। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 230 mm। ये जो आपको ABS का रिंग यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ ओनली फॉर रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, RLP जो फीचर है उसके लिए दिया गया है। दिस इज़ सिंगल चैनल ABS। मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो आपको पुराने वाली ड्यूक 125 पे मिलता था, ड्यूक 200 पे मिलता था, तो वही है। अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है। 6-speed गियरबॉक्स है, पावर मैंने आपको बता दिया, इट इज द सेम इंजन। इफ यू लुक एट दिस AC ट्रेलिस फ्रेम, दिस कम्स इन ऑरेंज एंड जो बोल्ट ऑन फ्रेम है वो है ब्लैक में, तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। टैंक का साइज भी इंक्रीज कर दिया गया है, सो दिस कम्स विथ 13.5 लीटर ऑफ पेट्रोल टैंक। नाउ दिस एग्जैक्टली लुक लाइक ड्यूक 390, जो नया एक कलर लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर ब्लैक एंड वाइट में, तो उसके जैसी बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती है। यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हीट शील्ड दी गई है, जो ड्यूक 390 में सबसे पहली बार इसको ऐड किया गया था, सो दैट आपको थोड़ा बहुत जो हीट वगैरह है उससे थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें दिया गया है 6-speed गियरबॉक्स के साथ। सिस्टम कंट्रोल जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस है नहीं, जस्ट दैट कि आपको पुराना वाला जो मिलता था वही आपको इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पेट्रोल का है वार्निंग यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्लॉक दिया गया है, इंजन जो टेम्परेचर है वो दिया गया है, लो फ्यूल लेवल को वार्निंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, राइट साइड में आपको स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको RPM का इंडिकेशन दिया गया है, ये इंजन माल फंक्शन, शिप लाइट, न्यूट्रल एंड हाई बीम का लाइट, बाकी यहाँ पे ABS का लाइट आपको दिया गया है, जो ऑब्वियसली 6-7 km/h की स्पीड के बाद में बंद हो जाती है। हैंडल बार के ऑप्शन है, दे ऑल आर सेम। ये आपको पास का स्विच दिया गया है, हाई बीम, लो बीम, ये इंडिकेटर का स्विच। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट एंड
इंजन किल स्विच दिया गया है. मिरर्स आर स्टिल सेम, वेरी यूजेबल. इट कम्स विद एल्यूमिनियम स्विंग आर्म. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है, तो जो कैटली कन्वर्टर है उसका साइज बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो ये वाला दूसरा कलर है जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, वाइट एंड ऑरेंज. सो आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ बाइक, और साउंड भी सुना देता हूँ अंडर बेली एग्जॉस्ट का. तो मेरे साथ है KTM कुकटपाली का जो मैनेजमेंट देखते हैं, ललित भाई. थोड़ा प्राइस बता दीजिए ना हैदराबाद का ऑन रोड. शोरूम डिटेल्स आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो. टेस्ट राइड अवेलेबल है एंड ट्रस्ट मी बाइक लुक्स वेरी गुड. गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम आईडी इज बाइकर प्रकाश चौधरी. यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन, आपके कमेंट जो है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैंशन करके मुझे कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ.